वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा महानगर में सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को इंदिरा बाल विहार से महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा फॉगिंग महाअभियान को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि निगम द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सैनिटाइजेशन का महाअभियान चल रहा है। उसी के तहत महानगर के सभी वार्डों में एक माह का विशेष फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत महानगर में हर दूसरे दिन सभी हिस्सों में फॉगिंग कराया जाएगा। नगर आयुक्त ने एक बार फिर से लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सभी शहरवासियों के सहयोग की जरूरत है। सरकार द्वारा जारी कोरोना वायरस पर गाइडलाइन का पालन करते हुए हम सब इस महामारी को हरा पाएंगे। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, सह प्रभारी वाहन अशोक कुमार सिंह, मुख्य खाद एवं सफाई निरीक्षक अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, सफाई निरीक्षक राम विजय, सुपरवाइजर विध्यांचल सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, हमारी मेहनत सफल हुई है। हम दूसरों के फॉगिंग अभियान चलाना आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पूरे शहर में लगभग 60 गाड़ियों से जो बड़ी गाड़ियां हैं हमारी, जो ट्रैक्टर पे या किसी क्लब में हम लोग रात में मच्छर न लगे जनता को, इसलिए हम लोग ये फॉगिंग का अभियान शुरू कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से सैनिटाइजेशन में हमने पूरा शहर कवर कर दिया है, उसी प्रकार से पूरा शहर हमको कवर करना है और ये मैसेज लोगों तक जाना है, सबको पता लगे कि हम कॉफी का काम करा रहे हैं। हमारे माननीय महापौर जी पहली बार आज उपस्थित हुए हैं, उसके लिए हम लोग उनका दीर्घायु की कामना करते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहे और वो शहर की सेवा जैसे उन्होंने शुरू से की है, शहर की सेवा करते रहेंगे। इसी क्रम में हम लोग कहेंगे मेयर साहब जिंदाबाद, मेयर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैनिटाइजेशन का वर्क बहुत बढ़िया तरीके से ये है ना मानी मेयर साहब को कोरोना पर विजय प्राप्त करके कार्यालय ज्वाइन करने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूं। मैं आज मेरी पहली मुलाकात हुई, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब भी कहीं पर भी इस पूरे शहर में, नगर में, जनपद के अन्य जगहों पर गया हूं, सबने एक बात जरूर कही है कि आपके जो मेयर साहब हैं पूरे यूपी के सबसे अच्छे मेयर साहब हैं। निश्चित रूप से मैं बड़ा खुश होता था और आज मुलाकात हुई, क्यों लोग कहते हैं उसको भी मैंने देख लिया। साथियों, आज आप लोग को बहुत एक जिम्मेदारी का काम दिया गया है। जिस प्रकार से आपने सैनिटाइजेशन के विशेष अभियान में पूरे जनपद को, गोरखपुर नगर निगम को पूरे प्रदेश में नंबर एक पे रखा, उसी प्रकार आज माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग एक फॉगिंग का महाअभियान छेड़ने जा रहे हैं, जो कि हर वार्ड में एक दिन बाद हमारी टीम पहुंचेगी और पूरे वार्ड को फॉगिंग करेगी वहां पर। तो निश्चित रूप से आप लोगों के इस काम से बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। आप एक हमारे स्वच्छता के सिपाही हो और निश्चित रूप से आपके इस अभियान में सक्रिय रोल अदा करने से हम लोग कोरोना के जो वायरस की जो चेन है उसको ब्रेक करने में सफल होंगे। नगर आयुक्त साहब, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अपर आयुक्त महोदय, चीफ इंजीनियर और हमारे जितने भी बहादुर हमारे नगर निगम के सफाई कर्मी हैं, उनके बलबूते पर हमने कोरोना पर बहुत हद तक गोरखपुर में बहुत ही जल्दी नियंत्रण पाया है। इसकी प्रशंसा
पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और ये सब जो हो रहा है हमारे सफाई कर्मियों के बलबूते पर हो रहा है। ये कोरोना पूरे मानवता के लिए खतरा बन करके पूरे देश में आया हुआ है। इसकी लड़ाई लड़ने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने संकल्प किया है, लेकिन लड़ाई हमारी तब सफल होगी जब हमारे अधिकारी बंधु और सफाई के हमारे सम्मानित कर्मचारी बंधु आप लोग पूरी मेहनत और तत्परता से नगर को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए आप लोग अनवरत दिन रात लगे हुए हैं। हमारे नगर आयुक्त साहब को मैंने देखा है कि रात रात पर चलकर 11 बजे रात तक सुबह से निकलते हैं और 11 बजे रात को फिर पूरी टीम के साथ लेकर घर पहुंचते हैं। न खाने की चिंता न सोने की चिंता, घर में इनके घर में कोरोना से इनके परिवार में कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन्होंने अपने मनोबल को नीचा नहीं किया और जो जिम्मेवारी सरकार ने हमारी दी है गोरखपुर को कोरोना से मुक्त दिलाने का इसमें अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। मैं जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, बधाई के पात्र हैं कि जिन लोगों की मेहनत और परिश्रम लग लाई है। हम लोगों ने मुक्तिनाथ धाम घाट पर जो व्यवस्था हमारे नगर निगम ने की है, हमारे नगर आयुक्त और चीफ इंजीनियर ने की है, ये भी एक पूरे प्रदेश नहीं देश के लिए एक उदाहरण बन करके सामने आया है। कहना चाहता हूँ आप देश के सिपाही हो, मानवता की रक्षा में लगे हुए हो, आप लोग कोई मेहनत और तत्परता से काम करें, इसको नौकरी नहीं एक सेवा भाव से काम करें और हम इस पर विजय पाए। मैं कोरोना काल जब थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा, मैं जितने भी अपने सफाई कर्मी हैं जो दिन रात सेवा में लगे हैं, हमारे अधिकारी लगे हैं, जनता की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कोरोना की सेकंड वेव है वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रही है और कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक करने के उद्देश्य से जो नगर निगम प्रशासन है, नगर निगम की जो पूरी टीम है, वन टू ऑल जितने भी लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ जो है कोरोना से इस जंग में लगे हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लगे हुए हैं और इसी के उद्देश्य से पिछले 1.5-2 महीने से लगातार दिन में, दोपहर में और रात में पूरे जो हमारे 70 वार्ड हैं उन सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन का एक विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम लोग जो हमारी 59 जो बड़ी वाली गाड़ियां हैं वो इस काम में लगी हुई हैं, जो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इस वक्त 210 जो हमारे हैंड हैंड मशीनें हैं वो काम कर रही हैं। इन्हीं मशीनों में आज 80 मशीनें और जुड़ गई हैं, जो कि सब मिलाकर 290 हो गए हैं, जो कि 290 हमारे स्वच्छता के सिपाही हैं, घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर ये वहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं, घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके आसपास के माहौल को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसी सब चीज़ों को देखते हुए और कोरोना के संक्रमण पर और प्रभावी तरीके से रोकथाम करने के लिए आज नगर निगम प्रशासन ने 1 माह का विशेष फॉगिंग अभियान,
फॉगिंग पहले भी लगातार चल रही थी, लेकिन हमने एक विशेष फॉगिंग अभियान के तहत आज यहाँ पर कुल 35 जो गाड़ियाँ हैं आपने अभी देखी हैं उनको मैदान में उतार दिया है, जिससे हमारा उद्देश्य है कि हर दूसरे दिन हम पूरे वार्ड की फॉगिंग करा दें, जिससे कि किसी भी प्रकार के वहाँ संक्रमण की कोई गुंजाइश ना रहे। मैं इसको अपने शहरवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें, अगर घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो जब भी निकलें डबल मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों में ग्लव्स का पहने, सिर पे कैप लगाएं, और इसके साथ साथ जब वो बाहर निकले किसी से मुलाकात करते हैं 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, और इसके साथ ही इस बात को ध्यान दें कि वो अपने आसपास कोई भी ऐसा जो उनके घर के आसपास रहे जिसके अंदर जरा भी कोरोना का कोई लक्षण प्रतीत होता है, तत्काल ही जो हमारे माननीय पार्षद जी के नेतृत्व में कोरोना निगरानी समिति बनी हुई है उसको तुरंत जो है उसको सूचित करें, उसको उनके संज्ञान में लाएं, जिससे कि तत्काल ही जो है उनको हम अस्पताल में एडमिट कराकर कोरोना के खिलाफ जो जंग में उनको अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट दे सकें, उनको इस बीमारी से निजात दिला सकें।